चाहिए कि टन हो गया, इसको तो सबसे पहले चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों ने सोचा कि पहले आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो अभी छोटा वाला ही आइसक्रीम खा रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है, जल्दी जल्दी खा के, बस गिराना नहीं है, अच्छे से खाना है, गंदा नहीं करना है। और ये देखिए नानी के साथ कंपटीशन में लगा हुआ है। हाँ, कौन पहले खाता है, नानी भी लगी हुई है। नानी जीत गई। गिरना नहीं चाहिए बेटा, अच्छे से। कैसा लग रहा है पार्क के बाहर का व्यू है। और शाम के समय यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, क्या ही बोलूँ, अभी तो कम है। जैसे जैसे शाम स्टार्ट होगी वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि गर्मी है इसलिए अभी कम लोग हैं। करने के बाद बुद्धा स्मृति पार्क का जो व्यू है वो ये रहा। ये सभी जा रहे हैं और मैं एज यूजुअल रिकॉर्डिंग करने में लगी हुई हूँ। और ये स्तूप है अंदर में, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं आज, मैं जा चुकी हूँ बट आज नहीं जा रही हूँ, किसी और दिन जाऊँगी। बहुत फिट हो गए, बहुत बड़ा बना है, 23 एकड़ में बोलता है ना। वहाँ से देखिए इस फूल की खूबसूरती, कितना खूबसूरत लग रहा है। गिर जाओगे बेटा, उधर नहीं जाओ। और ये जो वाइट वाले फूल हैं ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अभी हम लोग आ चुके हैं बुद्धा स्मृति पार्क के अंदर, एंटर कर चुके हैं। स्पेशली मुझे लेज़र शो दिखाना था मम्मी पापा को, इसलिए मैं लेके आई। पार्क तो जैसा होता है वैसा नॉर्मली है, कुछ ऐसा खास नहीं है पार्क। हाँ, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्पेस में बनाया गया है। जो बिहार में रहते होंगे, जिन्होंने इसको देखा है, वो बोल सी सकते होंगे कि कुछ स्पेशल ऐसा खास नहीं है पार्क में, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ का जो बिहार के ऊपर जो लेज़र शो दिखाया जाता है वो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, और मैं कई बार देख चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मम्मी पापा को भी ज़रूर दिखाना चाहिए। और देखिए सब फ़ोटो क्लिक करवाते, रिकॉर्ड करते वगैरह सब आ रहे हैं। और मेरा भाई देखिए उसको कैसे उठाए हुए है। फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। अभी हम लोग घूम चुके हैं पार्क पर, यहाँ बैठे हैं और लेज़र शो होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पापा और ये मेरा बेटा यहाँ पर खेलते हुए। और बहुत सारे गप्पे हो रहे हैं। अभी आधा घंटा टाइम है लेजर से स्टार्ट होने में। तो देखो आ गया, इसको पता चल गया कि अभी कैमरा ऑन हो गया है, तो ये आ गया। और कुछ बोलना है सबको, हेलो बोल दो। हेलो, हेलो। ओके, बोल दिया, हेलो हो गया इसका काम। तो अभी हम लोग बहुत सारी गप्पे मारेंगे, उसके बाद फिर लेजर शो देखेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे, कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद घर। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये बुद्धा स्मृति पार्क भी। बिहार म्यूजियम तो बहुत बड़ा था, तो इतनी जल्दी कैप्चर करना उतना पॉसिबल नहीं था, बट मुझसे जितना हो चुका मैंने कैप्चर किया। और बहुत सारे फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक किया है यार। मैंने तो रील्स बनाए ही नहीं इंस्टाग्राम पे, पहले मैं वो बनाती हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊँगी। ये सभी लोग लेज़र शो देखने के लिए यहाँ पे बैठ कर, ये देखिए पीछे पटना का हनुमान मंदिर भी दिख रहा है, और यहीं पर होगा लेज़र से। ये जो कार है, गाड़ी है यहाँ पे, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ चुके हुए हैं लेज़र शो देखने के लिए सभी लोग। और पीछे आप जैसे कि देख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। तो बस आप लोगों को भी दिखाते हैं लेज़र शो। तार 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 है।
इसके बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दे दी। उधर राजनीति खत्म हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं। बस यहाँ पे लाइटिंग का बहुत खराब है यार, क्या किया जाए। इधर से लाइट चुका है, इधर से लाइट ही। हम लोगों ने लेजर शो देख लिया है, क्या बोले लेजर से। हम लोगों ने लेजर शो देख लिया है और अभी मम्मी पापा को हबी लेके चले गए हैं गाड़ी में, और मैं और भाई हम लोग कुछ खाते पीते हुए गए के बाद भाई आया है और मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब झगड़ा भी बहुत होता है। बट हम लोगों का एक साथ पट्टा भी बहुत है, तो हम दोनों साथ में रुक गए यहाँ पे और हम लोग थोड़ा ऐसे ही सिकटी मारते हुए आएंगे, कुछ खाते पीते और मस्ती करते हुए, है ना। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी हम लोग ज़्यादा गर्म है यार, बहुत गर्म है। ऐसा मैं ट्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा वैसे गर्म है, मुझे जलना चाहिए थी पर आराम से खाना। खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग घर जा रहे हैं, ऑटो ढूंढ रहे हैं, ऑटो में बैठेंगे और घर जाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे एंड देती हूँ। तो होप करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।